स्कॉटलैंड का न्यूली इलेक्टेड फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ पाकिस्तानी ओरिजिन, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन, और अब ये दोनों लीडर्स मिलकर यूके को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अब हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड में रेफरेंडम करने वाले। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिपेंडेंस देते वक्त चर्चिल ने ये कहा था कि इंडिया के आने वाले सारे लीडर्स लो कैलिबर यानी कि कम क्षमता के होंगे। इस तरीके से इंडियंस को जलील किया गया था। लेकिन आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग मेजर वेस्टर्न कंट्रीज के हेड ऑफ गवर्नमेंट है, और उन्हीं में से एक है ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। अब इसी कैटेगरी में नए इंक्लूड हुए पाकिस्तानी ओरिजिन के हमजा यूसुफ, जो स्कॉटलैंड के पहले एथनिक माइनॉरिटी के फर्स्ट मिनिस्टर बने। फर्स्ट मिनिस्टर यूजुअली प्राइम मिनिस्टर जैसे ही होते हैं, बस ऐसा समझ लो कि उनके हाथ में फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं होती और उन्हें अपॉइंट करने वाले एक उनसे भी सुपीरियर मिनिस्टर होते हैं। हमजा ने फर्स्ट मिनिस्टर इलेक्ट होते ही अपने पार्टी SNP यानी कि स्कॉटिश नेशनल पार्टी के इलेक्शंस के पहले के वादों को पूरा करना शुरू किया, एंड कहा कि वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस के रेफरेंडम की बात करने जाएंगे। इस पर ऋषि सुनक के ऑफिस ने रिप्लाई देते वक्त तुरंत इस मांग को डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया। ये इंसिडेंट इतना फेमस हो गया कि इसको लेकर सारे सोशल मीडिया एप्स पर मीम फेस्ट शुरू हो गया। एक ऐसा ही मीम फेस्ट जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर होता है। अगर यूके के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान देना तो 2019 तक 15 MPs इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिन के थे, जिनमें से आज कुछ टॉप पोजिशन पर भी है, जैसे यूके के एक्स और करंट होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल और सुवेला ब्रेवरमैन। इन लीडर्स के एंसेस्टर्स इंडियंस हैं, और कंट्री कैपिटल लंदन के मेयर सादिक खान, जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, ये भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट को ही बिलोंग करते हैं। पर यहाँ पर पहला सवाल तो ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोगों को इस दृष्टि से देखा जा रहा है, लीडरशिप की दृष्टि से, क्योंकि पूरा देश उन्हें एक्सेप्ट कर रहा है, राइट? और वो ट्रेडिशनली यूके के है भी नहीं। वेल, इसे डेप्थ में समझने के लिए ना हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1895 की मैं बात कर रहा हूँ, जब ब्रिटिशर्स ने उनके केन्या एंड युगांडा की कॉलोनी को चलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका प्रोटेक्टोरेट को खोला था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कॉलोनियल पुलिस और आर्मी जैसी बड़ी पोजीशंस पर इंडियंस को प्लेस किया गया था, जिसके वजह से वहां सेटल हुए इंडियंस ने अपने बिजनेसेस के थ्रू काफी सारा पैसा कमा लिया। 1963 में केन्या का इंडिपेंडेंस आते आते इंडियंस वहां की पॉपुलेशन का टोटल 3% हिस्सा बन गए थे, बट यही इंडियंस केन्या के प्राइवेट एसेट्स का मोर देन 2/3 हिस्सा होल्ड करते थे, जिसके वजह से वहां के लोकल्स को इंडियंस के लिए काफी रिजेंटमेंट डेवलप होने लगा, और फिर इंडिपेंडेंस मिलते ही उन इंडियंस को इन कंट्रीज से निकालना पड़ गया बिकॉज ऑफ सो मच हेट्रेड। इसके बाद फिर वहां पर बसे इंडियंस और क्या ही करते, तो सीधी सी बात थी, उन्हें यूके ही जाकर सेटल होना था, और इसीलिए वो लोग अपने पैसों की मदद से और इंग्लिश तौर तरीके जानने के कारण आसानी से यूके में सेटल हो गए, और देखते ही देखते अपने पैसों के दम पर वो यूके में एक डोमिनेंट माइनॉरिटी बन गए। इन्होंने ब्रिटेन के डिसीजन मेकिंग को कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस करना शुरू किया जिसके इफेक्ट्स आज भी दिखते हैं। अब इसी दौरान यूके में लेबर पार्टी वर्सेस कंजर्वेटिव पार्टी की लड़ाई चल रही थी, जिसमें बैक टू बैक इलेक्शंस लेबर पार्टी ही जीत रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी ऑन द अदर हैंड का बेसिक मोटो था कॉलोनियल ब्रिटिश सुप्रीमेसी के वैल्यूज और स्ट्रेटजीज को मॉडर्न यूके पॉलिटिक्स में यूज करके यूके को आगे बढ़ाना, और इसीलिए 1979 में इस पार्टी ने रिच एलीट इंडियंस के इस डायस्पोरा, जो कॉलोनियल ब्रिटिश के टाइम्स में अमीर बने थे और तब के ब्रिटिश कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज के सक्सेस के सबूत थे, उनको यूज करना शुरू कर दिया अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। अब इसके लिए उन्होंने एक एंग्लो एशियन कंजर्वेटिव सोसाइटी शुरू भी की, और नरेंद्र स्वरूप और लॉर्ड डॉलर पोपट जैसे ब्रिटिश इंडियन कैंडिडेट्स को अपने पार्टी में लेकर टॉप पोजीशंस पर अपॉइंट कर दिया। अब अपने इसी स्ट्रेटजी से कंजर्वेटिव पार्टी को जहां पर 1979 में 9% लोग सपोर्ट कर रहे थे, वहीं 1987 में 24% ब्रिटिश इंडियंस सपोर्ट करने लगे। इसकी वजह से वहां के इंडियंस का ब्रिटिश पॉलिटिक्स से एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया, और यही एक मेजर टर्निंग पॉइंट है जिसके कारण आज इंडियंस यूके पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा एक्टिव हैं। और जो ना ही वहां के डिसीजन मेकिंग को काफी हेविली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बल्कि यूके देश की इकोनॉमी में भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। आज ब्रिटिश इंडियन सिर्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में ही नहीं है, सारे एथनिक माइनॉरिटीज में इंडियन सबसे सक्सेसफुल है। इतना कि 15.4% लोग क्लास 1 पोस्ट जैसे प्रेस्टीजियस जॉब्स में है, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ यूके के सबसे बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हेल्थ सर्विस NHS में ही 38
1000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिन के हैं, और वहीं नर्सेस भी 50,000 से ज्यादा है। उसी तरह पुलिस फोर्स में भी इंडियंस इतने वेल रिप्यूटेड पोस्ट पर पहुंच चुके हैं कि लंदन जैसी मेजर सिटी के कमिश्नर पोस्ट के लिए इंडियन ओरिजिन के कैंडिडेट नील बसु को अपॉइंट करने का सोचा जा रहा है, और आज यही लोग यूके के फ्यूचर का डिसीजन लेंगे। इंटरेस्टिंगली हमजा यूसुफ और ऋषि सुनाक दोनों ही पंजाबी लिनियत से बिलोंग करते हैं, और हम सभी को यह पता है कि पंजाब स्टेट पार्टीशन के वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट था। तो आज के वक्त बात ऐसी हो गई है ना कि द मीमर्स माइट एक्चुअली बी सेइंग द ट्रूथ। कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बट इस टाइम दोनों प्लेयर्स ऑपोजिट प्लेसेस पर है। हाँ, ये बात जरूर है कि स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल कोई हमजा के आने के बाद ही सिर्फ शुरू नहीं हुआ है, ये वल्नरेबिलिटी हमेशा से ही अंदर मौजूद थी। देखो, ये तो आपको पता होगा ना कि इंग्लैंड द यूनाइटेड किंगडम या द ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, जिसमें इंग्लैंड के साथ देयर इज ऑल्सो स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। आज की डेट में ये चारों पार्ट्स ऑफ यूके को एक सेमी ऑटोनोमस कंट्री का डेजिग्नेशन दिया गया है, जिनमें सेपरेट पार्लियामेंट्स है जो कई इंटरनल मामलों पर गवर्न करती है, लेकिन कई एक्सटर्नल मामलों का डिसीजन अभी भी इंग्लैंड यानी यूके के मेन पार्लियामेंट